अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पहला पार्ट जरूर देखा है, पर अगर नहीं तो इसे यहीं पॉज करके इसका पहला पार्ट जरूर देखें, जिसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, वरना ये पूरी वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। पिछले पार्ट में हमने देखा कि मेलिनी जूलिया को बहलाने में सफल हो जाती है और उसकी मदद से डोम की दीवार पर अपने डैड के लिए एक मैसेज छोड़ती है कि उन्हें कैसी भी उस एग की जरूरत है, जिसे लकीली उसका डैड डॉन पढ़ लेता है और अब एक्टियन एनर्जी कंपनी का मालिक और एग का अस्तित्व का सीक्रेट रिवील होता है। दरअसल हेक्टर एक्टियन कंपनी के ऑपरेशन का मालिक है, जो कई समय से इंटैक एग के पीछे है, क्योंकि आज से 25 साल पहले कई मीटर धरती पर लाखों में बरसे थे, जिसके तुरंत बाद से उन्हें कई जगह ब्लैक एग्स के टुकड़े मिलने लगे, जिनमें स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस होती थी, पर उनकी बदनसीबी की उन्हें कभी इंटैक एग नहीं मिला। पर सर्च करते करते वो चेस्टर्स मिल पहुंचे, जहां उनकी खोज फाइनली खत्म हुई थी, पर एग को अपने कब्जे में लेने से पहले ही एग ने टाउन को डोम में घेर लिया और अब उनके पास फाइनली एक कंप्लीट एग है। पर अनफॉर्चुनेटली उन्हें इसकी ट्रू पावर को अनलॉक करने का टेक्निक नहीं पता, इसलिए डॉन, जो खुद भी इसके रहस्य को रिवील करने के पीछे होता है, वो उसे एग को डोम में ले जाकर मेलिनी से टेक्निक सीखने का बहाना करने में सफल हो जाता है। पर जब डॉन एग को लेकर निकलता है, हेक्टर अपने ऑफिसर्स को उस पर नजर बनाए रखने का ऑर्डर देता है और सीन के एंड में वो बार्बी और मेलिनी के अलावा किसी और लेडी की तस्वीर पर उसकी नजर गड़ जाती है। वहीं हेक्टर के लोग डॉन को उस सीक्रेट डोर से एंटर करते देख लेते हैं और अब उन्हें भी डोम में एंटर करने का रास्ता का पता चल जाता है। पर आखिर किसकी तस्वीर थी वो, ये पूरे प्लॉट की मेन कैरेक्टर है, जिसके बारे में सून रिवील होगा। इसके अलावा आपके दिमाग में कुछ और सवाल पैदा हुआ होगा कि आखिर वो एग जो अलाइव है, दुश्मनों के हाथों में होते हुए भी उसने उन्हें जैप क्यों नहीं किया, और जिस एग को खोने के कारण उसकी शक्ति से बनी एग्जिट वर्म होल सीजन 2 में कोलैप्स हुई, तो डोम में एंटर करने वाली वर्म होल कैसे कोलैप्स नहीं हुई, ये प्लॉट भी आगे रिवील होगा। मेलिनी उनके डैड के इंतजार में लकीली उनसे मिलती है, पर उसमें फाइनली अपने डैड से मिलने की खुशी के बजाय वो एग के लालच में उनकी जान ले लेती है और अब वो एग को लेकर ककून की तरफ बढ़ती है। और यहाँ क्रिस्टिन को अनजान कारण से खास इंटरेस्ट होता है कि जो सैम को माफ करके मूव ऑन करे, इसीलिए जेल में सैम से मिलकर उसके लिए जो के साथ एक विजिटिंग डे अरेंज करती है, ताकि वो खुद दिल से जोई से माफी मांग सके। अब यहाँ थोड़ा पॉज करते हैं कि आई नो कि आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं सीजन 3 के ड्रामा को क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस एग के सीक्रेट को छोड़कर, पर यकीन कीजिए यही ड्रामा आगे के सीजन का प्लॉट रिवील करेगा, इसलिए थोड़ा धीरज रखिए। अब जो का सैम से मिलने पर उसे अब भी सैम सिर्फ अपने बहन का कातिल नजर आता है, इसलिए अंत में उसे माफ करने से इनकार कर देता है। दूसरी तरफ क्रिस्टीन जेम्स की भी माइंड में छिपे अपने डैड के अगेंस्ट के एंगर को शांत करने की कोशिश करती है, जिसका सबसे पहला वो रास्ता बताती है कि उसे अपने डैड से रिलेटेड सारे चीजों से छुटकारा पाना होगा। सनकी जेम्स सच में उनकी सलाह सीरियसली ले लेता है और अपने ही डैड के बनाए घर को आग के भेंट चढ़ाने पड़ता है। वहीं नूरी भी जो के बिहेवियर से तंग आकर हंटर से फ्लिंग रिलेशन बनाने लगती है और अब इस तरफ मेलिनी एग को लेकर उसी सबसे बड़े कोकून पर रखती है, जो बाकी सभी कोकून से जुड़ा होता है, और जिसे रखते ही तेज स्कॉर्चिंग चीख के साथ स्ट्रॉन्ग एनर्जी उस विशाल कोकून से होकर बाकी सभी कोकून्स में ट्रांसफर होने लगती है। पर मेलिनी का बैड लक की जूलिया भी वहाँ पहुँच जाती है और उसे मेलिनी की करतूत के बारे में सब समझ जाता है, पर मेलिनी काफी स्ट्रॉन्ग निकलती है और उसका भी गला घोटने की कोशिश करती है, पर उसके लिए ये सबसे बुरा दिन होता है क्योंकि जिम भी वहाँ पहुँच जाता है और बिना दूसरी बार सोचे वो एग को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके ठीक बाद बार्बी, सैम, जोई, नॉरी और अन्य की दुनिया वहीं थम जाती है, जिसके कारण सारे कोकून सड़ने लगते हैं और उसमें कैद लोग एक एक करके निकलने लगते हैं, जिसके अंत में आउट ऑफ नोवेयर क्रिस्टीन और एवा भी नजर आती है। ये सरप्राइजिंग बात है क्योंकि पूरे टाउन में इन्हें कभी भी देखा नहीं गया था, तो ये आए कहां से? और अब मैं पूरा समराइज करता हूं कि अब तक क्या हुआ। 25 साल पहले मेलिनी के एग के छूने के बाद उसे कुछ हो गया, इसीलिए एग के शक्ति में पुनर्जन्म लेने के बाद वो पूरी तरह से एग के कंट्रोल में थी, वो शुरुआत से एक्टिंग कर रही थी, इसीलिए अगर हम गौर करेंगे तो बेन की जान लेने पर वो माफी मांगती है, जो ठीक उसने सीजन 2 के एपिसोड 1 के एंडिंग में लिंडा के लिए भी कहा था, वो इसलिए क्योंकि उसे ज्यादा से ज्यादा जिंदा इंसान की जरूरत थी किसी कारण से। सीजन 2 में डोम से उत्पन्न हो रहे मैग्नेटिज्म और तेज आवाज मेलिनी का ही एग के कंट्रोल में किया था, इसीलिए उस पर उस तेज आवाज का असर नहीं हुआ। यानी कि इसका मतलब ये कि सीजन 2 में होने वाले जितने भी प्रकोप या आपदा घटे थे वो सब उस एग और मेलिनी के बदौलत था, ताकि अंत में पब्लिक उस कोकून की गुफा में आने पर मजबूर हो जाए। बार्बी और अन्य लोग जिस हैप्पी पर अल्टरनेट वर्ल्ड में
एक साथ जी रहे थे वो मैट्रिक्स रियलिटी की तरह एक के कारण क्रिएटेड थी, जो इंसानों पर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रही थी। इसीलिए सीजन 3 के शुरुआत में खुद को डोम से बाहर पाने पर उन्हें मिलिट्री या एक्टियन एनर्जी के लोग दिखाई नहीं दिए। कम से कम जूलिया का ये पागलपन गलत साबित होता है कि एग उनकी रक्षा कर रहा था, बल्कि डोम ने एग को प्रोटेक्ट करने के लिए सीजन 1 में उन्हें डिस्ट्रक्शन से बचाया। और पानी की किल्लत के दौरान वो बारिश गिरना भी इसलिए था क्योंकि उन्हें इंसान जिंदा चाहिए थे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। यानी कि इसका मतलब ये भी कि जो अब तक एक विलन नजर आ रहा था एक के अगेंस्ट, जिम की सारे बातें सच साबित हुई। पर सच्चाई ये है कि मेलेनी खुद एक का एक प्यादा है, क्योंकि इस पूरे रचना का मास्टरमाइंड उस बड़े कोकून में छिपा था जो जूलिया को साफ दिखाई नहीं दिया। और क्योंकि टाउन पर अब भी डोम बना हुआ है, इसका मतलब कि एक का एक्सपेरिमेंट अब भी खत्म नहीं हुआ, जो क्या है हमें थोड़ी देर में समझेगा। अब हालांकि सभी कोकून से आजाद, उन्हें उनके अल्टरनेट वर्ल्ड की जिंदगी अब भी याद रहती है, मानो वो उनके लिए एकदम रियल था। इसीलिए बार्बी और ईवा को एक दूसरे के लिए अब भी फीलिंग्स, नॉरी का जो से ब्रेकअप और हंटर के साथ सीक्रेट रिलेशन, और खास करके उस वर्ल्ड में पाई शक्ति उनके पास अब भी मौजूद होती है। जैसे पहले हंटर को ग्लासेस की जरूरत लगती थी, पर अब उसका साइट एकदम क्योर हो गया है। पर दिन ढलने पर जब क्रिस्टीन सीक्रेटली गुफा में मेलेनी से मिलती है, तब अंडर द डोम सीरीज का क्लाइमेक्स रिवील होना शुरू हो जाता है। दरअसल क्रिस्टीन और ईवा एंथ्रोपोलॉजिस्ट है जो खुद भी एक की तलाश में थे, क्योंकि वो एक्टियन एनर्जी के लिए काम करते हैं, जिसका क्लू हमें हेक्टर के उस पिक्चर से मालूम पड़ता है, जो किसी और की नहीं बल्कि क्रिस्टीन की ही थी। दोनों तब से कुकून के कैद में थे जब से चेस्टर्स मिल टाउन में ये डोम गिरा, इसीलिए दोनों पूरे टाउन में कभी दिखाई नहीं दिए। क्रिस्टीन एक से कनेक्टेड है, इसका पहला क्लू हमें तब मिलता है जब अल्टरनेट वर्ल्ड में क्रिस्टीन की रिंग में वो मीटर का पत्थर नजर आता है, जो अभी के उसके घर के विंडो से मैच कर जाता है। मेलेनी के बाद अगला क्रिस्टीन ने ही उस एग को छुआ था, जो खुद भी मेलेनी की तरह एग के कंट्रोल में आ गई। उस सबसे बड़े कुकून, जो अब रिवील होता है कि वो क्वीन कुकून था, उसमें क्रिस्टीन ही बसी थी, जो अपने पावर से बाकी सारे कुकून्स को कंट्रोल कर रही थी। हमें अब क्लियर होता है कि अल्टरनेट वर्ल्ड में वो क्यों सभी को शांत करने की कोशिश में थी। जैसे जब एंजी को खोने के गम में जोई अब भी मूव ऑन करने से इनकार कर देता है, तो क्रिस्टीन उससे शांत करने की कोशिश कर रही थी। जेम्स के भी गुस्से को शांत करने के लिए वो उसे उसके डैड का घर जलाने की सलाह देती है, ताकि वो अपने पिछले यादों से मूव ऑन कर सके। वहीं सिंह जो मूव ऑन करने के लिए तैयार नहीं होता, इसीलिए क्रिस्टीन अल्टरनेट वर्ल्ड में नोरी के लिए अलग हंटर के साथ कहानी तैयार करती है, सिर्फ बैंक कुकून के कंट्रोल को सक्सेसफुली ओवरपावर करने में सफल हो जाता है। पर ये समझने पर मेलेनी ने उसकी जान ले ली थी, इसीलिए अल्टरनेट रियलिटी में जब बेन का दम घुट रहा होता है, क्रिस्टीन इतने हैरानी से देख रही होती है, क्योंकि उसे समझ जाता है कि इन रियल में मेलेनी उसकी जान ले रही है। एग ने कुकून की मदद से ह्यूमंस को इसलिए किसी अल्टरनेट मैट्रिक्स में ट्रैप किया, ताकि उनका शरीर फंक्शनिंग बना रहे जब तक उनका इन्फ्यूजन कम्प्लीट ना हो जाए। ठीक जैसे मैट्रिक्स में इंसानों को जिंदा रखा जाता था एक वर्चुअल वर्ल्ड में, ताकि उनकी बॉडी चलती रही और गर्मी की मदद से रोबोट्स इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सके। एग के कंट्रोल में मेलेनी का पुनर्जन्म करने वाली क्रिस्टीन खुद है, क्योंकि सिंस वो खुद क्वीन है, उसे किसी की मदद चाहिए थी कि जो टाउन के लोगों को कुकून तक ला सके, जहां वो उनके शरीर में कोई लाइफ फोर्स इन्फ्यूज कर सके। और मेलेनी को इसलिए भी चूज किया गया क्योंकि वो लाइफ फॉर्म उसके शरीर में भी ट्रांसफर हो गया जब 25 साल पहले उसने एग को छुआ था। मेलेनी खुद एग की क्वीन साबित हो सकती थी अगर वो अपने दोस्तों की गलती के कारण मरी नहीं होती। पर अब हम जब रोल बैक करते हैं सीजन 1 से लेकर अब तक, पिछले सीजन के पेंडिंग सवाल सॉल्व होने के बजाय और भी कंफ्यूजन क्रिएट होने लगता है। जैसे अगर ये सब मेलेनी का ही एक डिजाइन प्लान था, तो मरने से पहले पॉलिन को वो आगाह करने वाले विजन्स एग को उसे दिखाने की क्या जरूरत थी? इस पूरे प्लॉट में फिर जूलिया चोजन वन कैसे है, जबकि उसका दूर दूर तक एग से कोई लिंक नहीं है? अगला कि एग ने हेक्टर को जैप क्यों नहीं किया, और क्रिस्टीन कौन सा लाइफ फोर्स इन्फ्यूज करने की बात कर रही है, और इन सब का पिंक स्टार से क्या रिलेशन है, ये सब हमें सीजन के एंडिंग में क्लियर होगा। कम से कम कुछ सवाल के जवाब अब हम फाइनली समझ सकते हैं। जैसे सीजन 1 में मिलिट्री ने डोम को उसी वक्त तोड़ने का क्यों डिसाइड किया, क्योंकि उन्होंने भी डोम पर मोनार्क बटरफ्लाइज ऑब्जर्व किया, जिससे उन्हें कंफर्म हो गया कि कोई तो एलियन लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शक्ति उनके इर्द गिर्द के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शक्ति को मैनिपुलेट कर रही है, जिसके कारण ये बटरफ्लाइज अट्रैक्ट हो रहे हैं। इससे पहले कि इन्फेक्टेड इंसान बाद में रिलीज होकर दूसरों को इन्फेक्ट करे, उन्होंने इसे डिस्ट्रॉय करने का सोचा। अगला कि प्रेग्नेंट लेडी को अपना हस्बैंड कैसे नजर आया था, और उसका लेबर डे इतना जल्दी कैसे आ गया? दरअसल उनका हस्बैंड एग का क्रिएटेड एक विजन था, जिसे छूते ही एग के स्पार्क के कारण उनका लेबर तुरंत ट्रिगर हो गया, क्योंकि एग का प्लान ही है कि ज्यादा से ज्यादा इंसान इस डोम के अंदर मौजूद रहे, ताकि वो उनमें अपना लाइफ फोर्स इन्फ्यूज कर सके। और उस एग का शाइन करना जब नोरी
अपने मॉम को बचाने के पीछे एक्स से भीख मांगने लगती है। दरअसल उसके मॉम से कुछ रिलेटेड नहीं था, वो सिर्फ अगले दिन टाउन में होने वाले घटना का ट्रिगर पॉइंट था, जिसमें क्रिस्टीन कह दे जो सब अंजाम दे रही है। और आखिर की सीजन 2 में एग को वॉर्म होल के उस पार फेंकने पर सिर्फ एग्जिट वॉर्म होल क्यों कोलैप्स होता है, वो दरअसल इसलिए क्योंकि एग नहीं चाहता था कि कोई और इंसान एस्केप कर सके, सिंस एग को ज्यादा से ज्यादा इंसानों की जरूरत है। वहीं एग ने एंट्री करने वाले वॉर्म होल इसलिए कोलैप्स नहीं किया ताकि एग और इस पूरे पजल में मिसिंग पॉलिन को डोम में रिटर्न लाया जा सके। पर अब अगर आप ये सोच रहे हो कि अगर एग का पूरा इंटेंशन शुरुआत से सिर्फ पॉलिन को अंदर लाने का था, तो डोम से एग्जिट होने वाले वॉर्म होल बनाने की क्या जरूरत थी, वो सिर्फ डोम में एंटर करने वाले वॉर्म होल क्रिएट कर सकता था। तो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन यही हो सकता है कि जब तक कोई डोम से निकलकर पॉलिन को नहीं बताता तो वो रिटर्न भी कभी नहीं लौटती, जो बारबी और सैम की मदद से पॉसिबल हुआ। अब हालांकि एग नष्ट हो गया है, इनके बातों से साफ समझ आता है कि उसका मिशन अब भी पॉसिबल है। अगले दिन टाउन हॉल मीटिंग के दौरान क्रिस्टीन अपना आइडेंटिटी सबसे छिपा कर रखती है, और इतनी गंभीर घटना से गुजरने के बाद वो टाउन के लोगों को अल्टरनेट वर्ल्ड की तरफ फ्री काउंसलिंग ऑफर करती है। सभी इस बात से अनजान है कि वो धीरे धीरे सभी को अपनी तरफ करने के पीछे है। उसका टारगेट किसी कारण से खास करके सैम, बारबी और जेम्स पर होता है, इसलिए अपने इस वर्ल्ड की रियलिटी में गुस्से में कि उसके डैड अब भी जिंदा है, जिनके कारण वो कभी मूव ऑन नहीं कर पाएगा। क्रिस्टीन जेम्स के दिमाग को शांत करने के लिए वो उसे वही सलाह देती है जो उसने अल्टरनेट वर्ल्ड में अधूरा छोड़ दिया, और इस तरह वो अपने ही डैड के सामने उनके घर को आग लगा देता है, और जैसे खुशी में वो विसल करते हुए निकल जाता है। दूसरी तरफ नोरी भी अल्टरनेट वर्ल्ड की तरह जोई से चीट कर रही होती है, पर ओवर स्मार्ट जूलिया अब भी खुद को चोजन वन मानती है। उसे क्रिस्टीन पर जाहिर तौर पर शक होने लगता है। जिम को खुद भी क्रिस्टीन और ईवा के मनगढ़ंत कहानी पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो ईवा पर अपनी नजर बनाए रखता है, जो उसके लिए काम आ जाता है, क्योंकि उसे ईवा जंगलों के बीच कोई सीक्रेट कैमरा निकालते नजर आती है, जो जिम बाद में उसके घर से चुरा लेता है। और उसे भी ऑडियंस की तरह पता चलता है कि आखिर कैसे क्रिस्टीन को वो एग मिला, जिसे छूते ही किसी रिएक्शन के बाद उसे और ईवा को एग ने निगल लिया। अब हमें एक और चीज क्लियर होती है कि आखिर क्यों और कब वो डोम टाउन पर गिरा, क्योंकि क्रिस्टीन के उस एग को छूते ही उसने उन्हें निगल लिया, जिसके चपेट में ईवा भी आ गई। अपने क्वीन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसने अपने इर्द गिर्द डोम तैयार किया, और टाउन भी इसलिए डोम में कैद हो गया क्योंकि टाउन के लोग आगे क्वीन के फॉलोअर्स बनने वाले हैं, इसीलिए टाउन को भी प्रोटेक्ट करना जरूरी था। अब जूलिया को भी उस क्वीन को खून में खोज करने पर एक्टियन कंपनी का आईडी मिलता है, जिससे उसे बाद में क्लियर होगा कि ये क्रिस्टीन का ही है और वो एक्टियन के लिए काम करती है। पर इस वक्त खाई से एस्केप करते दौरान सबसे भागते और छिपी मेलिनी उस पर अटैक करती है, इससे पहले कि इस बार वो सच में जूलिया की जान ले ले, एन मौके पर क्रिस्टीन मेलिनी की जान ले लेती है, इस धोखे में कि वो उसकी जान बचाने की कोशिश कर रही थी। पर सच्चाई ये है कि उसने ऐसा जानबूझकर किया ताकि मेलिनी उनका भांडा ना फोड़ सके। पर कुछ भी हो, जूलिया का शक अब भी क्रिस्टीन पर बना रहता है। वहीं वो क्लिप और खास करके जेम्स की हरकतों को देखने के बाद जिम को यकीन होने लगता है कि ककून से निकले लोग वो नहीं रहे जिन्हें वो जानता था। दिन ढलने पर रिवील होता है कि टाउन के लोग इसलिए क्रिस्टीन को ब्लाइंडली फॉलो करने लगे क्योंकि ककून से निकलने के बावजूद वो अब भी क्वीन के हिप्नोटिक पावर में कैद हैं। सिवाय जूलिया और जिम के, और जिनकी भी विल शक्ति स्ट्रांग है, जैसे जो की वो कोई अजीब किनशिप ग्रुप बनाने के पीछे है, जिसमें सैम, जेम्स और बारबी आगे खास रोल निभाएंगे। और एपिसोड के एंड में पूरा टाउन कहीं की तरफ घूरते हुए ये वीडियो यहीं एंड हो जाती है। सीजन 3 काफी लंबा है, जिसका अब भी 10 एपिसोड्स बाकी है, और आगे और भी कई रहस्य रिवील होंगे। जैसे ये किनशिप ग्रुप क्या है, वो स्पीसीज टाउन के लोगों से चाहते क्या है, वो आए कहां से, और वो पिंक स्टार्स कैसे इन सब चीजों से रिलेटेड है, आखिर क्रिस्टीन कौन से लाइफ फोर्स उनमें इन्फ्यूज करने के पीछे है, जेम्स अचानक से विसल कब से करने लगा, एग ने हेक्टर को जैप क्यों नहीं किया, उस पत्थर में ऐसा है क्या, पिछले सीजन में पॉलिन को उन विजन्स का आने का असली कारण क्या था, एलियन का मोनार्क से क्या रिलेशन है, और वहीं नॉरी के पेरेंट्स का क्या, और ये चार कैसे कनेक्टेड है एग से। अगर आपको इसका आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में मुझे यस या नो टाइप जरूर करें। मैं आपको एंटरटेन करने में सफल रहा, इसलिए प्लीज आप भी वीडियो को लाइक या कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके ही जबरदस्त डिमांड पर ये वीडियो बनाई है, और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि ये सीरीज में पूरी कंप्लीट करूंगा। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन सच में पसंद आई हो और मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप मुझे सब्सक्राइब या चाहे तो मेरे चैनल का मेंबर बनकर मुझे सपोर्ट जरूर दिखा सकते हो। मैं मिलूंगा अगली बार एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो पर, तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों।